नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मेष राशि एवं मेष लगन वाले जातकों के लिए शुभ रंग कौन सा है, शुभ अंक कौन सा है, आपको किस मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ रहता है, कौन सा रंग आपको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए और मेष लगन वाले जातकों के लिए समस्त उपाय मैं बताऊंगा जो आपकी जन्म कुंडली को मजबूत बनाने के लिए बेहद प्रभावशाली हैं। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। मेष लगन एवं मेष राशि दोनों के लिए यदि आप किसी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक उलझन में फंसे हैं तो आपको मंगलवार के व्रत प्रारंभ कर देने चाहिए, यह बेहद शुभ है आपके लिए। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत होगा तो पूरी जन्म कुंडली आपकी मजबूत हो जाएगी, उसका प्रभाव समस्त 12 भावों पर शुभ जाएगा। मंगलवार के दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक पाठ करना आपको समस्त प्रकार की समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। प्रिय साथियों, आपके लिए शुभ वार हैं मंगल के जो मित्र हैं बृहस्पति और सूर्य, मंगलवार, गुरुवार और रविवार। आपके लिए शुभ अंक है 9, 1, 2 और 3। आपके लिए शुभ रंग है पीला, लाल, नारंगी और हल्का नील। आप मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इसका नियमित रूप से जाप करके समस्त प्रकार की समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। प्रिय साथियों, मेष लगन के जातक तेजस्वी, तपस्वी, उत्साही, स्पष्ट वक्ता, किसी से न दबने वाले और मन मौजी मिजाज के लोग होते हैं। मेष लगन वाले या तो किसी से मित्रता करते हैं या नहीं करते, बीच वाला जो रास्ता है वह इनके स्वभाव में नहीं होता। इन लोगों से शत्रुता और मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए। कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।